बैठो यहाँ से धूप में। अरे अरे बेटा, अरे ये तो बेहोश हो गया। चलो इसको घर लेकर चली जाती हूँ और पानी वगैरह पिलाती हूँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आराम से आराम से। बेटा इधर बैठो, इधर। बेटा तुम रोड पर चक्कर खा के गिर गए थे, वो तो शुक्र मैंने तुम्हें देख लिया और मैं तुम्हें उठाकर अपने घर ले आई। असल में मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था इसलिए चक्कर आ गए। अरे बेटा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, सब्र करो। बेटा बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, चलो इसको जल्दी से खा लो। बेटा इसको खा लो। खाना? पता नहीं बेचारा कितने दिनों का भूखा था ये। अच्छा बेगम साहब मैं चलता हूँ, मैंने नौकरी भी ढूंढनी है। अरे बेटा रुको। जी बेगम साहिबा। नौकरी की तलाश में जा रहे हो, क्या तुम हमारे घर पे नौकरी करोगे? नौकरी? जी जी जरूर। ठीक है बेटा इधर बैठो, तुम्हें मैं अपनी बेटियों से मिलवाती हूँ। अरुष शिफा जल्दी आओ। जी मम्मा। अरे मम्मा ये कौन है? उफ़ इन लड़के में तो इतनी गंदी बदबू आ रही है। चुप हो जाओ, ये भी हमारी तरह इंसान है, इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए। और हाँ आज से ये हमारे घर पर रहेगा छोटे मोटे काम के लिए, इससे ज्यादा बड़ा काम मत करवाना। ओके मम्मा। आओ बेटा मैं तुम्हें काम समझाती हूँ जो करने हैं। मम्मा का बस चले ना तो सारे गरीब यहाँ लेकर आ जाएं। नौकर कहने का। शिवा शिवा मैगी खाने को दिल चाह रहा है। मैगी तो मेरा भी दिल चाह रहा है खाने को, लेकिन है ही नहीं मैगी। मैगी नहीं छोटू तो है ना, उससे मंगवा लेते हैं। हाँ मुझे तो याद ही नहीं था, चलो छोटू को देखते हैं और छोटू से मैगी मंगवाते हैं। चलो चलाओ चलाओ। हाँ भाई क्या कर रहे हो? हा? जी गोडी कर रहा हूँ। अच्छा जी ला देता हूँ मैगी, लाओ पैसे। oh, no. चलाओ अरुष अंदर से पैसे लेकर आते हैं। चलाओ। हाँ चलो। A few moments later. सोने की, जब हमने इसके जिम्मे काम लगाया था तो ये सोया क्यों? अभी बताते हैं इसको। अब मजा आएगा।
हमने तुमको कहा था तुम हमें मैगी ला कर दोगे, तो तुम सोए किस तरह? ये गलती आपकी है, आपने पैसे नहीं दिए और इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। तुम नौकर हो, नौकर नौकर बन के जुबान चलाते हो। आ जाओ बेटा, यहाँ पर बैठो। बेटा तुम उस कमरे में इतनी गर्मी में बैठे हुए थे, अब यहाँ पर आराम सुकून से बैठो, मैं एसी ऑन कर देती हूँ। आज इतनी गर्मी है ना, यहाँ से हिलना मत बस तुम। ये ऑन हो गया एसी। नहीं जी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ, मैं एसी में कैसे बैठ सकता हूँ? अरे बेटा, किसने कह दिया कि तुम नौकर हो? तुम नौकर नहीं हो, तुम तो इस घर के फर्द हो, और तुम भी मेरे बच्चों जैसे ही हो। जैसे अरुष और शिफा हैं, वैसे ही तुम भी मेरे लिए वैसे ही हो। ठीक है, चलो बेटा आप आराम करो, मैं तो अपने ऑफिस जा रही हूँ। बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। चलता है तुम्हारे ने उकाता है शिमला लेटने की। तुम नौकर हो, नौकर पता नहीं ये अपनी हैसियत किस तरह भूल जाता है। जी मुझे बेगम साहिबा ने, मम्मा का नाम मत लो, अब तुम्हारी सजा ये है, भाग गली में जाओ और धूप में बैठो। हाँ। नहीं मैं धूप में नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। तुमको तो धूप में बैठना पड़ेगा, चलो बाहर बैठ जाओ। चलो ना, क्या हो गया? बैठो यहाँ से धूप में, जब तक हम ना कहें ना जब तक तुमने अंदर नहीं आना है। चलो अरुष। बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। चलो अंदर चलो और ये ड्रामा बाजियां खत्म करो, उठो। और हाँ बात सुनो, मम्मा को ये नहीं बताना कि हमने तुमको धूप में बिठाया था, समझ आई? अगर बताया नहीं 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 बताऊंगा। चलो बेटा मैं ऑफिस जा रही हूँ, और हाँ तुम्हारा नाश्ता मैंने अंदर रख दिया है, लाजमी खा लेना। ठीक है बेगम साहिबा, मैं खा लूंगा। उसके अंदर मिर्चे मिलाते हैं, बहुत मजा आएगा।
मैं खा के देखता हूँ। इतनी मिर्ची। पानी 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 पानी। अरे पानी दो। पानी नहीं मिलेगा तुम्हें। लेना है पानी। ये लो लो। ले लो पी लो पी लो पी लो। ले लो ले लो। लेना पानी। पानी दो पानी। ले लो ले लो। पानी नहीं मिलेगा तुम्हें। पीलो, आजो, पीलो, पीलो। मैंने तो भूल के सारा पी लिया। अब तुम कैसे पियोगे? Later. काफी दिनों से साइकिल नहीं चलाई। चलो चलाती हूँ साइकिल। मैडम बच्ची का जो है ना बहुत ज्यादा खून बह चुका है और आपको फौरन ब्लड का जो है इंतजाम करना पड़ेगा। क्या शिफा का बहुत ज्यादा खून बह चुका है? उसे खून की अशद जरूरत है। अब क्या होगा? आप जल्दी से ब्लड का अरेंज करें, मैं वेट कर रहा हूँ। मम्मा मैं दे दूंगी शिफा का खून। अरे बेटा तुम्हारा और तुम्हारी अपी का खून मैच नहीं होता और मेरा भी नहीं मैच होता। अब कौन देगा मेरी बच्ची को खून और उसकी जान बचाएगा? बेगम साहिबा मेरा खून शिफा से मैच होता है, मैं दूंगा खून। नहीं नहीं बेटा तुम तो खुद बहुत वीक हो। बेगम साहिबा आप मेरा इतना ख्याल करती हैं और मैं शिफा का खून जरूर दूंगा। कितना अच्छा बच्चा है ये। शुक्र है मेरी बच्ची की आंखें तो खुली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। बेटा ऐसे नहीं कहते। आज जो तुम्हारी जान बची है ना वो इसी की वजह से बची है। क्या मतलब मम्मा? बेटा इस छोटू ने अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाई है। अगर ये खून ना देता ना तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या सच्ची में? अपे तुम्हें छोटू ने खून दिया था। क्या सच्ची में छोटू? जी बीबी जी। आज से तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारी अपे। आज तक मैंने तुम्हारे साथ जितनी भी ज्यादतियां की है ना मुझे माफ कर दो। नहीं जी ऐसा ना करे, माफी ना मांगे। बेटा आज से तुम घर के काम नहीं करा करोगे बल्कि इन दोनों की तरह स्कूल भी जाया करोगे। मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा तुम साइकिल से कैसे गिर गई। तुम तो इतनी अच्छी साइकिल चलाती हो। वो मम्मा मैंने छोटू को गिराने के लिए साइकिल की ब्रेक खराब कर दी थी। क्या? मामा मुझे नहीं पता था शिफा साइकिल ले जाएगी, वो गिर जाएगी। अब देख लो तुमने उसके लिए गड्ढा खोदा था और तुम्हारी अपनी बहन गड्ढे में गिर गई। और हाँ छोटू हमारे कितने काम आया है।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस मोरल स्टोरी से क्या सीखा? हमें किसी गरीब को कमतर नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसको अपना घर का फर्द ही समझना चाहिए और उसे बराबर ही इज्जत देनी चाहिए। और हाँ, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, तो हम खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।